भाई साहब मैदान मूवी का फाइनल ट्रेलर आ चुका है, लेकिन दुख की बात यह है कि भाई इस मूवी की बिल्कुल भी हाइप नहीं है। हाँ, पहले दिन जब ये मूवी रिलीज हो यानी 10 अप्रैल को, उसके बाद जब फर्स्ट डे का रिव्यू आएगा तो डेफिनेटली इस मूवी की हाइप बढ़ेगी, लेकिन इस टाइम पर बिल्कुल भी हाइप नहीं है। साथ में क्लैश हो रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ में, लेकिन उस मूवी की भी उतनी हाइप नहीं है जितनी होनी चाहिए। फिलहाल मैदान मूवी का ट्रेलर भाई ऑसम है, प्रॉमिसिंग है, दमदार है। क्या मिलने वाला है भाई? बहुत कुछ मिलने वाला है। एक ऐसा स्पोर्ट जहां इंडिया पर, इंडिया की दूर दूर तक पकड़ ही नहीं है, फुटबॉल की जो नंबर वन स्पोर्ट्स है जिसपे पूरी दुनिया की पकड़ है, लेकिन जहां इंडिया का नाम आता है दूर दूर तक नजर नहीं आता है कि फुटबॉल में भी ये कहीं पर हैं, कहीं पर स्टैंड करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये जो प्रयास करा जा रहा है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मैं खुद एक फुटबॉल प्लेयर रहा हूँ अपने जूनियर टाइम में यानी अपनी प्रीवियस लाइफ में, लेकिन भाई वो एफर्ट जो यहाँ देखने को मिल रहा है ट्रेलर में बहुत प्रॉमिसिंग है। चाहे आप स्किल्स की बात कर लो, चाहे आप वो झोपड़पट्टी से किसी को उठा के लाना, भाई ये होता है, रियल लाइफ में भी होता है। कोई ऐसे सनकी कोच आते हैं जिन्हें प्यार होता है अपने काम से, जिन्हें प्यार होता है अपनी टीम से, एक ऐसी टीम को असेंबल करना जो बिल्कुल एफर्ट मारे, फुल एफर्ट मारे। लाइक अजय देवगन के जो डायलॉग्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब सुनने को मिल रहे हैं कि एक मैं ऐसे प्लेयर ढूंढना चाह रहा हूं जो किसी भी पोजीशंस पे खेल सके। यस, 11 प्लेयर की टीम होती है और कभी भी स्विच करना पड़ जाता है। आपको डिफेंसर हैं तो आप डिफेंसर को कभी आगे निकलना पड़ जाता है, और जो अभी आगे स्ट्राइकर्स हैं वो कभी डिफेंस का काम भी करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। 11 प्लेयर, लेकिन सोच सबकी एक जैसी, रीढ़ की हड्डी जैसे काम करती है ना, जगह जगह से टूटी होती है, लेकिन काम क्या होता है, एक सपोर्ट बनाना। बस वो सपोर्ट, ये 11 प्लेयर जो अलग 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 जिनकी अलग अलग पोजीशंस होती हैं, अलग अलग काम होता है, लेकिन काम इनका अल्टीमेटम एक ही होता है कि भाई साहब डिफेंस करना है और आगे वाले सामने वाले के गोल में जाकर घुस के मारना है। तो ट्रेलर भाई बहुत प्रॉमिसिंग लगा। इससे पहले जो ट्रेलर आया था उतना नहीं लग रहा था क्योंकि एक आध चीज़ें वैसी थी, लेकिन इस बार दमदार है। बस दुख इस बात का है कि इस मूवी की बिल्कुल भी हाइप नहीं है। आई थिंक न जाने क्या लोगों की चॉइस जाने कैसी हो रही है, भाई सलार मूवी जैसी एक्शन मूवी को भैं एक इमेजिनरी या फिर काल्पनिक कहानी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, लेकिन इस मूवी को जरा भी बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री का वो ऐसा रियल लाइफ का इंसिडेंट ये लोग कवर अप करेंगे जहां पर फुटबॉल ग्रो करने की स्थिति पर था। अगर बहुत ज़्यादा उस टाइम पर इसे भाव मिल जाता तो आज फुटबॉल टीम, इंडिया की फुटबॉल टीम का अलग ही लेवल होता, क्योंकि इंडियंस में बिल्कुल भी मेहनत की कमी नहीं होती है, जो डेडिकेशंस वगैरह होते हैं बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। जब इस क्रिकेट में कर सकते हैं तो फुटबॉल में क्यों नहीं कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से जो ये एफर्ट लग रहा है भाई, ये दिल को टच कर रहा है, लिटरली टच कर रहा है। और एज कोच अजय देवगन बहुत ही दमदार देखने को मिल रहे हैं, बड़ा फाइन, एंड जो भी उसके डायलॉग्स निकल रहे हैं उनकी तरफ से भाई वो टच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कोच भी ऐसे सन की पागल हुआ करते थे, और होना भी पड़ता है। आपको स्पोर्ट्स में भाई अगर कुछ अचीव, कुछ क्या, सामने वाले से जीत अचीव करनी है ना, जीतना है ना, तो भाई पूरी पावर लगानी पड़ती है, पूरा एफर्ट डालना पड़ता है। सिर्फ प्लेयर्स नहीं, कोच, क्योंकि एक निर्देशक का बहुत बड़ा हाथ होता है, कैसे टीम का फॉर्मेशन करना है, कैसे उसे खिलाना है, और कैसे वो स्ट्रेटेजिकली आगे नाक के नीचे से घुस के मतलब गोल मार के आए। तो भाई वेट है मूवी का 10 अप्रैल का, लेकिन साथ में क्लैश हो रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, तो जो हाइप इसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। खैर उतना भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि क्लैशेस अभी तक बहुत से आते देखे हैं हमने, और जितना जिसके हक का है वो तो लेके जाएगा। फिलहाल जिसको एक्शन पसंद होगा वो पहले एक्शन देखेगा यानी बड़ी मियाँ छोटी मियाँ देखेगा, देन उसके बाद स्विच करेगा तो ये थोड़ा सा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन जो लेना चाहेगा, खासकर स्ट्रगलर्स के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि फुटबॉल से या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ही है ये मूवी, भाई सभी के लिए है, जो भी जिस फील्ड पे मेहनत करना चाह रहा है, इंस्पिरेशन लेना चाह रहा है, जो थक चुका है या कुछ नया इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है, तो भाई ये मूवी बहुत हर जगह गूज़बम्प्स देके जाएगी, आपको इंस्पायर करके जाएगी। इसके बहुत से डायलॉग और बहुत सी ये छोटी छोटी इंसिडेंट जो इसमें होंगे वो आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देके जा सकते हैं। तो मूवी का वेट करो, बाकी ट्रेलर नहीं देखा तो जरूर देखना, दैट्स माय रिव्यू। एंड ट्रेलर मुझे ऑसम लगा, एक नंबर लगा, 101% कोई कमी नहीं है, बहुत प्रॉमिसिंग है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। लिटरली मैदान मूवी के लिए वेट है। जय हिंद।